वायरस यानी जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी होती है पशुओं में। सबसे पहले है अपना एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स यानी पीलीहार रोग, पीलीहार रोग। सेकेंड है इसमें एफएमडी, ऑटो एंड माउथ डिजीज। ऑटो एंड माउथ डिजीज का मतलब होता है खुरपका मुंहपका रोग, जो अक्सर कैटल बफेलो शीप एंड गोट, कैटल बफेलो शीप एंड गोट में पाई जाती है। थर्ड है इसमें पीपीआर, फोर्थ है शीप पॉक्स। ये दोनों बीमारियां होती हैं आपकी गोट एंड शीप यानी भेड़ और बकरी में। आज में आपकी बीमारी है एचएस, एचएस का मतलब हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। सिक्स होती है रेबीज, ये होती है डॉग्स में। हम दोस्तों मेन मेन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियां बहुत सारी हैं पर जो हमारे फ्रीज में है जो हमारे जीवन में होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये हो गया, उसके बाद अपन देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट देखेंगे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स देखेंगे ये इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये, सिम्टम्स क्या है और उपचार क्या है। दोस्तों एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु को टाइम ही नहीं मिलता उपचार करने के लिए, यानी अगर टुडे आज एनिमल बीमार हुआ है, एनिमल बीमार हुआ है तो उसको अगर एक दिन भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसको रिकवर करना यानी इम्पॉसिबल है, यानी डेथ ही मान लो। आज बीमार हुआ एनिमल, अगर वन डे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो एनिमल को नॉट रिकवर मान लो आप, नॉट रिकवर आफ्टर डेथ। यानी एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है, अगर एंथ्रेक्स के सिम्टम्स आज आपको पता चल गए कि आज हमारी गाय भैंस के इंटरनल ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है या उसका गला सूजा हुआ है या उसके रेक्टम से बाहर निकल रहा है या प्रेग्नेंट है तो बच्चा को फेंक दिया गया, गर्भपात कर दिया गया, ऐसे कुछ सिम्टम्स या उसको फीवर है, ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर दिख रहे हो तो मान लो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स यानी पीलीहार रोग। ठीक, उसमें क्या होता है, आज एनिमल को एंथ्रेक्स हुआ, पशु को अगर एक दिन बाद आपने ट्रीटमेंट में नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं किया, उपचार नहीं किया गया तो उस पशु को रिकवर करना बहुत इम्पॉसिबल है, यानी वो पशु फिर ये मान लो डेथ ही होगी उसकी। हम इसके बारे में अपन थोड़ा सा और बता देता हूं, एंथ्रेक्स स्पेंडिंग फीवर,
हिस्पैनिक रिवर यानी पिलिहा रो। हिस्पैनिक रिवर या पिलिहा रो, पिलिहा रो क्या होता है? यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। यह एक सबसे पहले ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है? यह मुख्य रूप से मानव में नहीं पाया जाता, यह मुख्य रूप से ह्यूमन डिजीज नहीं है, यानी यह मुख्य रूप से आदमियों की बीमारी नहीं है, पर यह जानवरों से आदमियों में ट्रांसमिट हो जाती है। यह बीमारी है जो जानवरों से आदमियों में यानी ह्यूमन में चली जाती है। यह मुख्य रूप से ह्यूमन डिजीज नहीं है और यह पूर्ण रूप से एनिमल डिजीज है। स्पेनिक फीवर का मतलब ही यही है, ये बैक्टीरियल जनित बैक्टीरियल डिजीज है। प्राय मुख्य रूप से ह्यूमन में ये बीमारी नहीं पाई जाती, पूर्ण रूप से एनिमल की डिजीज है और यह जीवाणु जनित बीमारी है और यह जीवाणु या बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। यह बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा, स्पेनिक फीवर कैसे, स्पेनिक फीवर को कहते हैं क्योंकि यह एक ह्यूमन डिजीज नहीं है, एनिमल डिजीज है। और यह पूर्ण रूप से एनिमल डिजीज है और इसका बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक है। उसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इटियोलॉजी यानी कारक या कॉज। इटियोलॉजी कॉज हिंदी में बोल रहे इसको कारक। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ये चैप्टर है आपका, ये सब्जेक्ट है मेडिसिन। मेडिसिन चैप्टर 14 में या 15 में बाद दे लेना, बैक्टीरियल डिजीज वाला चैप्टर है। इसका कारक क्या है? इसका एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी होती है, उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, यह बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, क्या होता है सिस्टम में? यह बैक्टीरिया कठोर धब्बानुमा जीवाणु के
पाया जाता है। ये बैक्टीरिया किसे पता है? यह बैक्टीरिया कठोर कठोर दबनवा जीवाणु के रूप में पाया जाता है तथा लंबे समय तक तथा लॉन्ग लाइफ। इस बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो कितनी लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक जीवित रहता है। एटियोलॉजी यानी पान कोज किस कारण से होता है? बैक्टीरिया का है बैसिलस मेंथ्रेसिस, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे अपन बैसिलस एंथ्रेसिस। और मैं ये कहूंगा अगर आप हिंदी मीडियम है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस हिंदी की बजाय लिखने में ये सरल पड़ेगा आपको अंग्रेजी में, ठीक है? इसका बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया कठोर धब्बा नमा जीवाणु के रूप में पाया जाता है तथा इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है? और क्या है बैक्टीरिया की खास विशेषता? यह बैक्टीरिया बहुत जहरीला होता है। दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज होगी ये आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप आराम से मेरी क्लास एक घंटे क्लास होगी उसमें ये आराम से आप इसको नोट्स के रूप में भी दे सकते हो, पढ़ भी सकते हो। कोई समस्या नहीं आए तो दूसरे दिन मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे को फॉलो करना, ठीक है? ये लिख दिया आपने, इसको लिख लो आप एक बार। बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया कठोर धब्बा जीवाणु रूप में होता है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये बहुत जहरीला होता है। इसमें ज्यादा इतना रफ एंड टफ वाली वो बात नहीं है, हार्ड एंड टफ वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? ये मिटा दे रहा हूँ इसको। अपडिगम सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि यह बीमारी एंथ्रेक्स है? सबसे पहले दोस्तों इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर इसमें सेकंड सब है के सिम्टम्स यानी लक्षण। क्या लक्षण है, कैसे हम पता लगाएंगे कि यह एंथ्रेक्स बीमारी है? सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर हाई हो जाता है, फर्स्ट हो गया हाई टेम्परेचर। यानी बुखार कितना 104 प्लस, नॉर्मल टेम्परेचर होता है एनिमल्स का 101 से 102 डिग्री फारेनहाइट, ठीक? 102 से 104 प्लस हो जाए तो समझो आप एंथ्रेक्स के और सिम्टम देखने के लिए बुखार आ गया तो एंथ्रेक्स हो गया। बुखार तो उसमें भी आता है एंथ्रेक्स में, बीटो में भी आता है और बहुत सारी बीमारी बुखार तो ऑलरेडी सब ही आता है, ठीक है? सेकंड हो गया रेक्टम का बाहर निकलना,
रेक्टम होता है मल द्वार, रेक्टम का बाहर निकलना। यानी एनिमल अगर बैठा है, जानवर बैठा है, तो बार बार अपने रेक्टम को जोर लगाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या होता है, जिसको हम कांचरी बोलते हैं, तो कांचरी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तीसरा है लड़का थक्का नहीं जगना, उस एनिमल के कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल चोट लग गई हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो जो ब्लीडिंग है ना, वो ब्लड बहता रहेगा, उसमें धक्का नहीं लगेगा। इसका मतलब ऐसा अगर सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो समझ लो ये इसको एंथ्रेक्स बीमारी हो गई है, ठीक है। चौथा है सिम्टम्स इसमें मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में सूजन। मांसपेशियों में सूजन का मतलब है बॉडी में जहां भी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां नहीं मसल्स, फोर लिम पे है, हैंड लिम पे है, बॉडी के हर ऐसे पार्ट में मसल्स हैं जहां उनमें सूजन आ जाएगी। यानी ऐसा लगेगा जहां पर हर जगह देखेंगे दबा देंगे ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है। ये मांसपेशियों में अगर सूजन आपको दिख रही हो, नॉर्मल कंडीशन से इनलार्ज हो जाती है बॉडी की साइड, यानी पशु की जो नॉर्मल साइज है उससे आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट इनलार्ज हुआ है, बॉडी थोड़ी इनलार्ज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि मांसपेशी है मसल्स की सूजी पड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आप लिख लो सिम्टम्स में लक्षण में हाई टेम्परेचर हो जाएगा यानी बुखार 104+। सेकेंड है रेक्टम यानी मल द्वार का बाहर निकलना, बैठते उठते टाइम पशु अपने रेक्टम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, खड़े ब्लड तक का नहीं जमना, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने के बाद जो बॉडी से उसका ब्लड बहता है वो बहता रहता है, उसमें धक्का नहीं जमता। कभी कभी क्या होता है अपने की चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है ऑलरेडी वो ब्लड नया बन जाता है और धक्का जम जाता है, ऐसा एंथ्रेक्स वाले पेशेंट में नहीं होगा। चौथा है इसका मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में यानी मसल्स में, बॉडी में हर जगह पर मसल्स है, फोर लिम हैंड लिम स्टर्नम के ऊपर स्टोमक के नीचे हैंड क्वार्टर पर थाई रीजन में सब जगह मसल्स है, तो मसल्स का इनलार्ज हो जाना, अपनी जो साइड है उससे बड़ा हो जाना ही आपका सिम्टम्स इंप्रेस का कहलाता है। बता देता हूँ मैं, और दोस्तों सबसे मेन इसका वो है सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स वो आपको मृत्यु होने के बाद पता चलेगा। पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नेचुरल ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड साफ होता रहता है, नेचुरल ऑर्गन्स ऑर्गन्स यानी पशु की मृत्यु के बाद पशु की मृत्यु के बाद पशु के नेचुरल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब है छिद्र,
कार्तिक थे। पशु की मृत्यु के बाद पशु के नेत्र ओरिफिस से ब्लड का बहना मेन सिम्टम्स है। यानी पशु की मृत्यु के बाद पशु के नेत्र ओरिफिस होते हैं आपके नाक कान माउथ मुंह योनि आंख ये आपके नाक कान मुंह योनि आंख गुदा ये छह आपके नेचुरल ओरिफिस है। इन किसी न किसी में से ब्लड का बाहर निकलेगा अंदर से यानी ब्लड बाहर निकलेगा नेचुरल ओरिफिस से। ये इसका मेन सिम्पल्स है ठीक है। अगला है गर्दन व इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में लार्ज एंड स्मॉल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। गर्दन व इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी सूजन आ जाती है सूज जाती है। ये भी उसमें मेन सिम्टम्स है। वो तो लिख लिया है पशु की मृत्यु के बाद पशु के नेत्र ओरिफिस से ब्लड का बहना मेन सिस्टम से इसका वो बंद नहीं होता बहता रहता है। प्राकृतिक छिद्र यानी नेत्र ओरिफिस होते हैं नाक कान मुंह योनि आंख और गुदा ठीक। अगला सिस्टम है गर्दन व इंटेस्टाइन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन आ जाता है यानी सूजन आ जाती है ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसका ट्रीटमेंट उपचार क्या है। जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं गर्भित पशु होते हैं प्रेग्नेंट एनिमल में अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे वो बच्चे को गर्भपात कर देते हैं बच्चे को फेंक देते हैं। प्रेग्नेंट एनिमल में गर्भपात हो जाता है जो गर्भित पशु होते हैं उनमें गर्भपात हो जाता है ठीक है। ये बताओ कि सिम्टम्स आपके खत्म हो गए। अब पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट मेन चीज होती है ट्रीटमेंट। तो मेन तो सभी चीज है फिजियोलॉजी भी मेन है
पता ही नहीं चलेगा किस कारण से हुआ है, तो क्या ट्रीटमेंट कराओगे आप? सिम्टम्स भी मैंने आपको पता ही नहीं चलेगा इंथ्रेक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इंथ्रेक्स में कितना टेम्परेचर होता है, क्या सिम्टम्स हैं उसके, क्या क्या कुछ होता है, आपको ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? ठीक, इसका सबसे पहले तो इलाज संभव है ही नहीं, इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो इसका इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट है। अगर ट्रीटमेंट इसका मिल भी गया, कर भी रहे तो कम से कम 4 to 5 days कंटिन्यूअस टू टाइम अगर इसका ट्रीटमेंट उपचार मिल भी गया तो 4 to 5 days तक इसका उपचार चलेगा कंटिन्यूअस, वो भी दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम को, तब आपको कुछ रिकवरी का कुछ रिकवरी के चांस मिलेंगे, कुछ एनिमल को फायदा होगा कि हाँ इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और कुछ इसको फायदा होने लायक है, 4-5 दिन का ट्रीटमेंट पक्का चला। उस ट्रीटमेंट को हम देंगे क्या, ऐसे कौन से मेडिसिन है, ऐसा कौन सा ब्रोकर है जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे हम, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, एंथ्रेक्स की मेन ग्रुप होता है पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन ग्रुप मेन है इसका, पेनिसिलिन ग्रुप होता है वो मेन ग्रुप है, इसमें प्रोकिन पेनिसिलिन, एमपी पेंसिलिन, डीसीआर, ये जो मेन है ये ग्रुप चलेंगे, ठीक है। इंजेक्शन प्रोकिन पेंसिलिन RSA 20 to 40 lakh यूनिट, आइए देना है इसको, इसकी डोज होगी, ये रूट हो गया, ये मेन चीज इतना ध्यान रखना है हमको, डोज कितनी देनी है और किस रूट से देनी है, रूट दो 3 होते हैं, आइए IV सब कट, और इन तीनों में ये नहीं देना है, ये ओनली 4 जाएगा IM से, ठीक है, जो भी IM वाली रूट होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड ग्रुप है इसका MP पेंसिलिन, MP पेंसिलिन, ये सारे पेंसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है, कोई 3rd generation की है, कोई 4th generation की है, सारे तो वही है, ठीक है। ये देंगे अपन दो वेट के हिसाब से डोज दी जाती है, 2 to 4 grams में आता है, 2 grams का भी आएगा, 3 grams का भी आएगा, 4 grams का भी आएगा, 4.5 grams का भी अवेलेबल है, वो भी उसका आई है, ठीक है। साथ में पेंसिलिन ग्रुप तो हो ही गया, इसकी प्रोकिन पेंसिलिन दे दी 20 to 40 lakh यूनिट, आई एम डोज हो गई इसकी रूट, एमपी पेंसिलिन दे दी 2 to 4 grams इसका रूट हो गया आई एम। अगला इसके साथ सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, अगर आप सपोर्टिव थेरेपी नहीं दोगे किसी भी एनिमल को, तो आप कोई सा भी ग्रुप दे दो, कोई सी भी एंटीबायोटिक दे दो, कोई सा भी जनरेशन दे दो, 4 to 5 दे दो, वो उस एनिमल के उस बीमारी पर
कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक दे दिया, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस दे दी, और उसको सपोर्ट में तो चाहिए, एंटीबायोटिक के अलावा एंटीहिस्टामिन चाहिए, एंटीपायरेटिक चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको जरूरी है, तभी आपकी ये एंटीबायोटिक काम करेगी। ठीक है, सपोर्टेड थेरेपी में अपन देंगे DCR दे दो, DCR आता है डायग्राम का आपका, ठीक, एक इंजेक्शन आता है टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसमें, ऑक्सीटेट्रा और मेडिसिन हैंडराइटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, देख लेना, क्योंकि इतना कोई हार्ड नहीं है इसमें, टेरामाइसिन सब जानते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC जो होती है शॉर्ट फॉर्म इसकी, OTC बच्चा बच्चा जानता है, IMIB कैसे लिखते हो इनको, ठीक है, साथ में ए बिंदु, ये भी एंटी हिस्टामिन होती है, ये भी दुबई ये एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन का मतलब है अपन जो सारा ये तमाम दाम लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, पेंसिल लगा रहे हैं, DCR लगा रहे हैं, टेरामाइसिन लगा रहे हैं, ये तो जो तमाम दाम एनिमल को लगा रहे हैं वो ये कुछ रिएक्शन ना करें, रिएक्शन उस रिएक्शन से बचने के लिए अपन एविल देते हैं, एविल की डोज होती है 10 से 15 ml ओनली फॉर IV, ठीक, साथ में हम इसके साथ में इसके एविल के साथ बनाएंगे इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, न्यूरोपॉइंट हो गया आपका, न्यूरोजिन हो गया, ठीक है, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी तीन की चार चीज एक जैसी है, इनमें सारे विटामिन मल्टी विटामिन है, कैल्शियम मल्टी विटामिन है और बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज इनमें है, भी है, सारी चीजें जो इसमें मिल जाएंगे आपको, इसकी डोज रखनी है 15 से 20 ml, IM 0.15 से 20 ml, IM IV न्यूरोजिन 15 से 20 ml, IM IV विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, IM IV, ये चार अपन देने का तरीका और क्वांटिटी चारों की बराबर है, चारों में से एक यूज करना है, ये नहीं चारों लगा दिए, सपोर्ट थेरेपी में ये इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स बोल लो, न्यूरोपॉइंट बोल लो, न्यूरोजिन बोल लो या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल लो, ये इसके साथ ही बोल लेना इंजेक्शन में, 10 ml लेवल लिया, 20 ml सिर्फ लिया हमने, 10 ml लेवल लिया, 12 से 13 ml अपने बी कॉम्प्लेक्स से 10 ml बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया कंट्रोल, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया आपका, इसमें कोई समस्या हो तो बता देना मेरे को, नाइट्रोजन में या पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप कोई भी क्वेरी हो उसको पूछ सकते हैं, एक बार दोबारा से भी कर देता हूँ, और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट एक तो इसका बहुत क्रिएटिव है, यानी बहुत खतरनाक मान लो है जी, पहली बात तो है भी, तो वो भी 4 से 5 दिन कंटिन्यूस चलेगा,
चार से पांच दिन कंटिन्यूस चलने के बाद वो भी दिन में दो बार और इवनिंग और मॉर्निंग यानी सुबह और शाम। उसमें इसका ग्रुप होता है पेंसिलिन ग्रुप। तो पेंसिलिन ग्रुप होता है पेंसिलिन ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो इस एंथ्रेक्स बीमारी में काम करेगा। वो पीपल वो कौन कौन सी हैं, एक इंजेक्शन है आपका प्रोटीन पेंसिलिन, ये अगर देंगे 20 से 40 लाख यूनिट में आता है ये, ठीक है। इसकी रूट है आईएम दे दो, आईबी भी दे सकते हैं, ठीक है। एमबी पेंसिलिन 2 से 4 ग्राम, आईएम आईबी, ठीक। साथ में सपोर्टिव थेरेपी देना जरूरी है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है, सपोर्टिव थेरेपी हम पशु को भी देंगे तो जल्दी रिकवर नहीं होगा। सपोर्टिव थेरेपी से अपन 3 दिन में रिकवर करेंगे तो वैसे उसको 7 दिन लग जाएंगे, 7-8 दिन हो भी सके कि रिकवर ना हो। सपोर्टिव थेरेपी में हम उसका एबिल एबिल के साथ हम दे देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, न्यूरोकाइन, न्यूरोजिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 2015 से 20 एम एल, रूट है आई एम आई आर, ठीक है। साथ में डीसीआर डायग्राम का और इंजेक्शन पैरामाइसिन यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टीसी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ओटीसी, ओपन दे सकते हैं, ठीक है। अगला है इसका पीडियोलॉजी होगी, सिम्टम्स हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, क्या बचा इसका बचा कंट्रोल कैसे करेंगे अगर बीमारी आ जाए तो। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अगर ऐसा पशु कोई मर भी जाए तो सबसे पहले उसको खुले स्थान पर नहीं छोड़ना है। कंट्रोल अगर एंथ्रेक्स का कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसको एक तो खुले स्थान पर, जैसे हम और एनिमल को खुले स्थान डाल देते हैं उसको नहीं डालना है, क्योंकि अगर उसको खुले स्थान पर डाल दिया तो ये संक्रामक बीमारी है, ये एनिमल से एनिमल में तो होती है, ये एनिमल से ह्यूमन में भी होती है। इसलिए बड़े हो गए पशु को मरे हुए पशु को जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर डालना है तथा मरे हुए पशु को जमीन में गड्ढा खोदकर डालना है तथा उसके ऊपर नमक या चूना डालकर दबाव है। सबसे पहले प्रिकॉशन हमको ये रखना है, वो एनिमल मर गया है उसको खुले स्थान पर बिल्कुल नहीं डालना है। अगर खुले स्थान पर उसको डाल दिया तो ये संक्रमण बीमारी है, ये एनिमल से एनिमल में तो फैलती है, एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। हो सके आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया हो वहाँ उसका बैक्टीरिया है ये खुल चला जाए बीमारी फैलाते, ठीक है। सेकेंड है वैक्सीन एंथ्रेक्स, वैक्सीन लगती है इसमें, एंथ्रेक्स उसको वैक्सीन लगती है आफ्टर 3 ईयर।
एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन 3 ईयर, 3 ईयर में कभी भी लगा लो उसको, ठीक है। उससे क्या होता है, सांपट लगी हुई है, उससे क्या होता है, जो बीमारी आती है ना, अगर वैक्सीन लगी हुई होगी उसको, तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा, वो अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाएगा, ठीक है। अगला कंट्रोल है इसका एंटी सीरम, एंटी सीरम 100 से 200 ml आईवी दे जाएंगे। ये क्या होता है एंटी सीरम, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये देखो कंट्रोल में, पहले तो बने हुए एनिमल को जमीन में बैठा खोदकर डाल देंगे, इसके ऊपर नमक चूना जो भी दफनाने का होता है ना, उसको डिकम्पोज करने वाला सामान डाल देंगे, ठीक है। सेकेंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन आती है 3 साल तक कभी भी लगा दो, सबका टूसा रूल होता है। तीसरा है एंटी सीरम इंजेक्ट करना है, एंटी सीरम इंजेक्ट करना है हेल्दी पशु में 100 से 200 ml आईवी। ये एंटी सीरम क्या होता है, एंटी सीरम ये मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी सीरम इंजेक्ट करने से होगा क्या, क्यों हम इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई फायदा है क्या उससे, क्यों कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए ना। एंटी सीरम आई एंड वाट, एंटी सीरम क्या है, एंटी सीरम इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए, हमने कंट्रोल में देख लिया। एंटी सीरम, एंटी सीरम क्या होता है, एंटी सीरम के बारे में हम बताएंगे। फर्स्ट, ऐसे पशु जिनके एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई गई है, ऐसे पशु जिनके एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई गई है उनका ब्लड कलेक्शन करना है, ऐसे पशु जिनको एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई गई है उनका ब्लड कलेक्शन करना है। ब्लड कलेक्शन करने से क्या होता है, जो उनका ब्लड कलेक्शन कर देंगे हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब में, ब्लड कलेक्शन ट्यूब में 4 से 5 ml ब्लड लेना है, उसको आधा घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है जो अपनी लैब में अवेलेबल है, ठीक। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो ब्लड है उसमें क्लॉट जम जाएगा, नीचे जमेगा वो क्लॉट होगा ब्लड का, और जो ऊपर होगा वो सीरम होगा, ऊपर सीरम होगा नीचे ब्लड का क्लॉट जम जाएगा। हमको लेना है ये सीरम हमको इकट्ठा करना है 100 से 200 ml। उससे क्या होगा, 100 से 200 ml अपन सीरम इकट्ठा करके जो पशु जिनके वैक्सीन नहीं लगी है, हम
हमने बताया था जिनके वैक्सीन लगी है उनका लेना है, जिनकी नहीं लगी है उनको ये एंटी सीरम इंजेक्ट करना है। एंटी सीरम उनको आईवी के द्वारा इंजेक्ट करेंगे, उससे होगा क्या, इंजेक्ट करने से होगा क्या, उसके बॉडी में एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी वो होते हैं जो एंटीजन से लड़ने की क्षमता रखते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो होता है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में काम करता है, बैक्टीरिया के साथ काम करता है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाएगी, एंटीबॉडी हमने पहले ही इंजेक्ट कर दी है एंथ्रेक्स के, तो जो उसके एंटीजन है वो वही फिल हो जाएंगे और ये बीमारी एंथ्रेक्स है अपने पशु को नहीं आ पाएगी। ये है एंटी सीरम बॉडी, इसको काटो। किसी को दिक्कत हो तो कल कमेंट बॉक्स में आके पूछ कर लेना। ठीक है, ये आपका टॉपिक आज का खत्म हो गया।